हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए कम से कम चार पांच नई जानकारियां लेकर के आया हूं, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये ने इस वीडियो में चार पांच जानकारियां हैं, सारी अलग अलग है। मैं अलग अलग वीडियो ना बना के एक ही वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए, आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगा। अब अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भाई लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब क्या है, पहली जानकारी, सबसे मस्त जानकारी ये है कि कुवैत में जो बायोमेट्रिक को लेकर के वो अफवाहें चल रही थी कि आदमी का ट्रेवल बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसमें भी आज जो यहाँ की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अगर आपका बायोमेट्रिक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई लोग, बायोमेट्रिक क्लियर नहीं हुआ है तो आपको साफर आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है, बाकी आपके सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन आने जाने पे कोई ट्रेवल बैन नहीं है अगर आपका बायोमेट्रिक फिंगर नहीं हुआ है। तो पहली जानकारी ये हो गई। दूसरी जानकारी क्या है कि कुवैत की जो सेंट्रल जेल है वहां पे जेल में सुरक्षा के इतने होने के बावजूद भी ड्रोन के जरिए, मतलब फोन और दूसरी जो है तस्करी के सामान जो वहां पे पहुंचाए जाते थे लोग, अब उसका क्या कारण था कि केंद्रीय जो सेंट्रल जेल है तो उसके सुरक्षा कर्मियों ने तड़के ड्रोन का उपयोग करके जेल से एक बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और मोबाइल फोनों की तस्करी के में एक नए तरीके को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इसमें क्या था कि जो भी तस्कर थे या उनमें से इन्वॉल्व लोग थे, वो लोग पहले एक ड्रोन भेजते थे, ड्रोन भेजने के बाद में ड्रोन चारों तरफ से जो है उसकी इंक्वायरी करता था कि कौन सी साइड में, मतलब जो सुरक्षाकर्मी कम है या ज्यादा है, बाद में दूसरा ड्रोन आता था तो वो क्या है कि वहां पे जो है मोबाइल और जो ड्रग्स वगैरह है वहां पर गिरा करके चला जाता था। तो अभी ये सफलतापूर्वक जो है मोबाइल फोन से क्या है कि जांच में पता चला है कि तीन ड्रोन तैनात किए गए थे। पहले ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति, मतलब जो तस्कर थे वो तीन ड्रोन ले से वो लोग पहले क्या करते थे, देखते सुरक्षाकर्मी कहाँ कहाँ पे कम है, फिर दूसरे ड्रोन नशीले पदार्थ और मोबाइल से भरा हुआ था, वास्तविक डिलीवरी की जो डिलीवरी देने के लिए आया था, तीसरा ड्रोन निगरानी करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए था, के लिए पीछा किया गया कि डिलीवरी को रोका ना जाए, साथ ही कुछ कैदियों की सुरक्षा कर्मचारियों को ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ाई शुरू करा दी, उनको मैसेज दिया जाता था कि आप लोग आपस में लड़ाई करना शुरू कर दो ताकि वहां पे जो है आपस में जो सुरक्षाकर्मी है उनका जो ध्यान है वो इस तरफ में बढ़ जाए। तो अभी इन सबको मार गिराया गया है और पकड़ लिया गया है। अब इसमें कौन कौन से शामिल है, ये मतलब ड्रग्स डीलर को तीन जेल में स्थानांतरित करना था और जेल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से जांच वांच की जाएगी। अब इसमें क्या है कि अब इसमें और निगरानी बढ़ा दी गई है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद में ये जेल में जो है इतना सारा सामान कैसे पहुंचता था। अब तीसरी जानकारी ये है कि कुवैत में जो डिलीवरी कंपनियां हैं, डिलीवरी कंपनियों के एक ही दिन में 1600 से ज्यादा एप्लीकेशंस जो है मंजूर किए, एप्लीकेशंस आए हैं। क्या है, दो दिन में नए उपभोक्ता, नए वितरण लाइसेंस के लिए, मतलब जो है नई डिलीवरी कंज्यूमर के लिए जो बाइकों का अनुरोध है उसके लिए 1600 प्राप्त हुए हैं। पहले ही दिन में 800 अनुरोध किए गए थे, दूसरे दिन में 1600 हो गए। अब क्या है कि मंत्रालय ने आंतरिक मंत्रालय के निर्देश के कारण निलंबित कर दी गई थी, जिसके नियमानुसार ढांचा लागू होने के स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय की स्वचालित प्रणाली के इस गतिविधि को शामिल करने के लिए अब एक दोबारा से प्रारंभ किया गया है। तो भाई लोगों, ये सब थी आज की जानकारी। अगर जानकारियां अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार भाई।